उपमंडल स्तरीय कोर्ट परिसर समालखा में शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश शर्मा सहित महेंद्र पाल सीजेएम, मीनू सिंह सीजेएम व बार एसोसिएशन पदाधिकारियों, न्यायवादी व अन्य न्यायिक कर्मचारियों द्वारा प्रधान सचिव की अध्यक्षता में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान न्यायिक परिसर में विभिन्न किस्मों के करीब 250 से अधिक पौधे रोपित किए गए। सेशन जज सुदेश शर्मा ने कहा कि आज पौधा अभियान के तहत उपमंडल समालखा कोर्ट परिसर में पौधारोपण किया गया है। पर्यावरण को संतुलित रखने में पौधारोपण की एक बेहतर विकल्प है। पर्यावरण को बचाने के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सभी लोगों को मिलकर ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा लगाए गए पौधों को बड़ा होने तक उनकी देखरेख एक बच्चे की तरह करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए स्कूलों में क्विज, भाषण, स्पीच, निबंध, चित्रकला प्रतियोगिताएं आदि करवाई जानी चाहिए। 250 पौधे लगाने हैं, आज शुरुआत की है, अभी 10-15 लगा दूंगी, थोड़ा सा सेट कर लिया, शाम तक चलेंगे। क्या संदेश सर? जीवन है पौधे, जीवन बचाने के लिए जीवन लगाए जा रहे हैं। पौधे तो ऑक्सीजन देते हैं सबको। सर पौधे लगाते हैं, उनकी देखरेख भी हुई? देखरेख तो पूरी है, कोर्ट के एम्प्लॉइज भी देखेंगे, बाहर के तरफ से भी पूरा सहयोग है, सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। कौन कौन से पौधे लगाए सर? मूलेश्री है, आरड़ है, बहेड़ा है, और फूलों के भी हैं काफ़ी, जो बड़े बड़े पेड़ हैं दवाइयों के। जो लोग पेड़ काट रहे हैं सर, उनको क्या संदेश हैं? गलत है, गैरकानूनी है, के साथ साथ जीवन घातक भी है। पेड़ तो हमारे लिए जीवन देने वाले हैं, उन्हीं को ख़त्म कर देंगे तो हमारा क्या अस्तित्व रहेगा? साहब हम हर साल लाखों पेड़ करोड़ों लगाते हैं, लेकिन संरक्षण के अभाव में अभी तक हमारी जो जंगल की सीमा है वो बढ़ नहीं रही है। ऐसी चीज़ें तो सरकार बताएगी पॉलिसी इसकी। सर स्कूलों में इसके लिए बच्चों को क्या मैसेज, क्या फील्ड ट्री मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए बच्चों के लिए? होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी एक योजना चलाई, एक पेड़ माँ के नाम लगाने का अच्छी संदेश योजना है, सभी को लगाने चाहिए पेड़ तो। अर्थ प्रकाश के लिए समालखा से मनदीप कुमार की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।